বর্ষা নামতেই বাংলাদেশে বন্যার আশঙ্কা করা হচ্ছে। গত বছরের মতো পরিস্থিতি কি এবারও ভয়ঙ্কর হবে, এটাই সবচেয়ে বড় প্রশ্নচিহ্ন। এবছর কতটা রিস্কে বাংলাদেশ? আচ্ছা, বন্ধু রাষ্ট্র হয়ে সত্যি কি ভারত পারে না বাংলাদেশের বন্যা আটকাতে? আসসালামু আলাইকুম ইউভার্স, মই হুম এহসান খান। মই হুম আলী মুর্তজা। আর আপনি দেখ রহে হ্যায় হামারা ইউটিউব চ্যানেল এহসান রিয়াকশন উইথ এহসান। হাম উম্মীদ করতে হ্যায় আপ জাহাঁ ভি হোঙ্গে এনজয় করতে হোঙ্গে, মজে মে হোঙ্গে और फिट फाट होंगे। व्यूअर्स, वेस्ट बंगाल मीडिया सवाल कर रहा है अपनी ही हुकूमत से, इंडियन हुकूमत से, गवर्नमेंट से। वो कह रहा है कि क्या इस बार फिर सिलहट को डबो दिया जाएगा, क्या इस बार बांग्लादेश को इंडिया बचाएगा या नहीं, या इस बार फिर इंडिया जो जब फ्लड आता है, यानी जब बारिश विंटर सीजन में, आपको पता है कि बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं गर्मियों में, फिर उसकी वजह से पानी का फ्लो बढ़ जाता है। आपको पता है कि जितने लगभग 60-70 जो दरिया हैं रिवर, वो ओरिजिनेट होते हैं इंडिया से और बहते हैं बांग्लादेश। अब वो ये कह रहा है कि क्या इस बार भी वो अपने डैम का मुँह खोल देगा, गेट ओपन कर देगा और वो जो पानी है वो सारे का सारा बांग्लादेश में आ जाता है, बांग्लादेश में फ्लड आ जाता है। वो कह रहा है क्या अपने फ्रेंड को एक बार फिर झटका देगा इंडिया बांग्लादेश को, या फिर नहीं, या उसे बचा लेगा। देखें, ये भी तो है ना कि पिछले तकरीबन चंद दिनों से इंडिया में भी बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं और बांग्लादेश में भी हो रही हैं। 24 घंटे भी लगातार बारिश जो है वो हो चुकी हैं बांग्लादेश में भी और इंडिया में भी, क्योंकि जो है मौसम जो है वहाँ का एक जैसा ही तकरीबन। लेकिन इंडिया अगर चाहे तो बांग्लादेश में फ्लड आने से तो नहीं रोक सकता, लेकिन कम कर सकता है उसको। तो ये सवाल किया जा रहा है वेस्ट बंगाल मीडिया उसे, अपनी कंट्री से, अपने ही जो हुकूमत है, अपने ही लोगों से सवाल कर रहा है कि क्या इस बार फिर बांग्लादेश का जो सिलहट है, आपको पता होगा कि लास्ट ईयर जो है सिलहट जो है वो मुकम्मल तौर पर डूब चुका था पानी में, लेकिन इस बार भी वो सवाल कर रहा है कि क्या बांग्लादेश इस बार फिर डूबेगा, सिलहट को फिर पानी की नज़र कर दिया जाएगा, क्या इंडिया के अंदर इंसानियत नहीं है, क्या इंडिया अपने दोस्त कंट्री को, वैसे तो हर चीज़ में बांग्लादेश के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है बांग्लादेश और इंडिया, लेकिन इस टाइम जब पानी बांग्लादेश इंडिया की जो है उनके उन्हें अपना खतरा पड़ जाएगा, तो इंडिया को भी फ्लड से नहीं कोई बचा सकता फिलहाल। खैर, वो देखे ना, आएगा फ्लड तो, लेकिन कम किया जा सकता है इनको जब जरूरत पड़ती है। क्या करते हैं सर्दियों में, ये पानी बचा के रख लेते हैं, देते ही नहीं है। हाँ, अब टिस्टा रिवर के ऊपर यही है ना, जब इनको जरूरत नहीं होती तो फिर पानी छोड़ देते हैं। मोस्टली जो जितने भी रिवर्स आ रहे हैं बांग्लादेश में इंडिया से, उनके ऊपर तो इंडिया ने डैम बनाए हुए हैं ना, जब उन्हें जरूरत होती है तब रख लेते हैं, जब जरूरत नहीं होती छोड़ देते हैं, बांग्लादेश को डूबने के लिए छोड़ देते हैं। तो इसके ऊपर वेस्ट बंगाल मीडिया क्या कह रहा है, मजीद हम उनसे ही सुनते हैं। वेस्ट बंगाल मीडिया अपनी ही हुकूमत को मिरर, आईना दिखा रहा है। आइए, वो आईने में क्या शक्लें किसकी नजर आएंगी वो वीडियो देखने से पता चलेगा। जी, तो वीडियो देखते हैं। जी, वीडियो देखते हैं। वीडियो को देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी किया करें, कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक से हमें आगाह भी किया करें। वीडियो देखते हैं, 3-2-1 एंड क्यू। বর্ষা নামতেই বাংলাদেশে বন্যার আশঙ্কা করা হচ্ছে। গত বছরের মতো পরিস্থিতি কি এবারও ভয়ঙ্কর হবে, এটাই সবচেয়ে বড় প্রশ্নচিহ্ন। এবছর কতটা রিস্কে বাংলাদেশ? আচ্ছা, বন্ধু রাষ্ট্র হয়ে সত্যিই কি ভারত পারে না বাংলাদেশের বন্যা আটকাতে? এটাই বোধ হয় সবচেয়ে বেশি সার্চ হয় বর্ষা এলে। দেখুন, ভারত সরকার যে বিষয়টিকে নিয়ে একেবারে আমল দেয় না তা কিন্তু একেবারেই নয়। কোনো দেশই চায় না প্রতিবেশী দেশ বন্যায় ডুবে যাক, তলিয়ে যাক, অন্তত বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এমনটা হোক এটা তো ভারত কখনোই চায় না। শুধু বাংলাদেশ নয়, প্রতিবছর বন্যায় মারাত্মক ক্ষতি হয় ভারতেরও। সাম্প্রতিক সময় ভারত সরকার দেশের সমস্ত নদীকে একত্রে যুক্ত করার জন্য কাজ করছে, উদ্দেশ্য অতিরিক্ত বৃষ্টির পর বন্যা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা। যেসব রাজ্যে বৃষ্টিপাত কম সেখানে জল পৌঁছে যাবে নদীর মাধ্যমেই, তাই উত্তর পূর্ব থেকে পশ্চিমে এবং দক্ষিণ থেকে উত্তর ভারতের নদীগুলোকে সংযুক্ত করার কাজ চলছে। বন্যা নিয়ন্ত্রণে দুই দেশ বহুবার নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেছে, কিন্তু প্রকৃতির সাথে লড়াই করা অতটাও সহজ হয়নি। আসলে ভারত আর বাংলাদেশ একে অপরের সঙ্গে সীমান্ত ভাগ করছে প্রায় 4000 কিলোমিটারের বেশি,
যার মধ্যে বাংলাদেশ আসামের সঙ্গে 262 কিলোমিটার, ত্রিপুরার সঙ্গে 856 কিলোমিটার, মিজোরামের সঙ্গে 318 কিলোমিটার, মেঘালয়ের সঙ্গে 443 কিলোমিটার এবং পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে 217 কিলোমিটার সীমান্ত। বর্ষায় আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরার জল বাংলাদেশের সিলেট, সুনামগঞ্জ হয়ে নিম্ন অঞ্চলে প্রবাহিত হয়। প্রতিবছর বন্যার আশঙ্কা তৈরি হয় বাংলাদেশের রংপুর, কুড়িগ্রাম, নীলফামারি সহ অন্তত 17টা জেলায়। ডুবে যায় রাস্তাঘাট, বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে রেল যোগাযোগ। সব থেকে বেশি বৃষ্টি হয়ে থাকে ভারতের চেরাপুঞ্জিতে, যার শুরুটা হয়েছে সুনামগঞ্জ জেলার সীমান্ত থেকে। এই জল প্রথমে যায় বাংলাদেশের হাওড়ে, তারপর ভৈরব কিংবা মেঘনা হয়ে চলে যায় সাগরে। বাংলাদেশে প্রচুর নদী আছে, কিন্তু অতিরিক্ত জল নেওয়ার ক্ষমতা নেই সেই সব নদীগুলোর। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে জলবায়ুর বড়সড় পরিবর্তন ঘটছে, বাংলাদেশের নদীগুলোর নাব্যতাও কমছে। প্রতিবছর উজান থেকে জলের সাথে নেমে আসে বালি আর পাথর, যা ভরাট করে ফেলছে নদীর তলদেশ। তাই রিস্ক রয়েছে বাংলাদেশের এবারও। স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠছে, গত বছরের মতো এবছরও কি বাংলাদেশে বন্যা হবে? বিবিসির একটা রিপোর্ট বলছে, আগামী কয়েকদিন উত্তর পূর্বাঞ্চল এবং উজানে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে, যার কারণে বাড়তে পারে সুরমা, জাদুকাটা, সোমেশ্বরী নদীর জল। স্বল্প মেয়াদে বন্যা দেখা দিতে পারে সিলেট, সুনামগঞ্জ। ভিউয়ার্স, আপনি এই ভিডিও দেখি আর ওয়েস্ট বেঙ্গল মিডিয়া ইহি কহতা হুয়া নজর আ রহা হ্যায় কি আব দেখনা হোগা কি ইস পর ইন্ডিয়ান হুকুমত क्या स्टैंड लेती है, क्या इस बार भी वो अपने डैम के मुंह खोल देगी और पानी सब जो साथ बॉर्डर के साथ साथ जितने भी उनके डिस्ट्रिक्ट हैं या जो बड़े बड़े शहर हैं जिसमें रंगपुर और दिगर सिलहट है, क्या वो फिर इसमें फ्लड की जद में आ जाएगा और वो पानी पानी हो जाएगा उधर, या फिर इंडिया छतों के ऊपर पानी कितना आता है यार, वहाँ पे फ्लड कितना आता है, या फिर इंडिया इस बार कुछ अपने दोस्त का ख्याल रखेगा, क्योंकि आपको पता है कि शेख हसीना की जो हुकूमत है वो मोदी के लिए बड़ी ही बेहतर है। बिल्कुल, क्योंकि वो उनको सपोर्ट करते हैं ये एक दूसरे को, बिल्कुल ओपोजिशन की इतनी केमिस्ट्री मैच नहीं करती इनके साथ, जो आपको पता है कि जमात इस्लामी और बीएनपी की जो जमातें हैं वो इतना इंडिया के हक में नहीं है। खैर, वो जो शेख हसीना की हुकूमत है वो तो प्रो इंडिया इनको कहा जाता है। मेरे ख्याल में अब इंडिया को भी एक साइड पर जाके सोचना चाहिए और कि अब इस बुरे वक्त में अपने दोस्त का हाल ना छोड़े, बिल्कुल, और उसके साथ खड़े होना चाहिए। और देखें ना, एक और भी तो चीज़ है कि अगर बांग्लादेश को नुकसान पहुंचाता है इंडिया, तो अगर बांग्लादेश भी इस तरह का कोई काम करे तो क्या इंडिया इस नुकसान से बच पाएगा? इंडिया का भी बहुत नुकसान होगा अगर बांग्लादेश इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करे। वो टिस्टा रिवर के ऊपर पहले ही चाइना के साथ मिलकर वहां पर बड़े बड़े स्मार्ट सिटीज बना रहे हैं। जी हाँ, वो टिस्टा रिवर के ऊपर इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। जी, उसके बाद देखें, इंडिया को फायदा देने के लिए मातृबारी डीप सी पोर्ट के साथ इंडस्ट्रियल सिटी बनाया जा रहा है जापान के साथ मिलकर के, ताकि इंडिया को भी फायदा होगा। नॉर्थ ईस्ट रीजन जो उनके साथ साथ रियासतें हैं, बांग्लादेश को सबके साथ दोस्ताना माहौल रखे हुए है और सबके साथ फ्रेंडली काम भी कर रहा है, अपना काम भी कर रहा है और अपने मुल्क को ग्रूम भी कर रहा है। इसी तरह से बांग्लादेश के हालात इस वक्त इजाजत देंगे अपने व्यूअर से। व्यूअर्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।